अरे यार कैसे यार, सबका हो जाएगा। क्या है यार, लगा लीजिए। हाँ बताइए, यहाँ पे आए क्या बात हुई? मैं समझता हूँ कि इतनी ट्रेजेडी, इसमें कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, उस दुख में शामिल होने की जरूरत है। और बिहारी होने के नाते और फिल्म इंडस्ट्री में सह कलाकार के लिए जो एक सपोर्ट की जरूरत है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया। मेरे लिए हम सब जो है अभी तक बहुत स्तब्ध हैं, और मुझसे बहुत लोगों ने ये कहा कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, आपका क्या लगता था? मैंने कहा कि हम लोग एक ही मिट्टी से हमारी पैदाइश है, बिहार का एक बहुत बड़ा नाता है और एक जज्बाती नाता है, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि कोरोना के बावजूद बहुत लोगों ने कहा कि भी जाना सही नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे वक्त में ये सब नहीं देखा जाता। और मैंने एक मुहिम शुरू की है अपने आप ही सोशल मीडिया पर, जिसका नाम है जस्टिस फॉर सुशांत फोरम। उसमें लाखों लोग जुड़ गए हैं और हम सबकी एक यही मांग है कि जो हुआ है और जो दिखाई दे रहा है, जो आंखों को दिखाई दे रहा है, उससे कहीं कुछ ज़्यादा प्रतीत होता है। और जो अकस्मात मृत्यु के बाद अचानक जो एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, एक नैरेटिव जो था वो ये कि ये आत्महत्या, बजाय इसके कि ये आत्महत्या प्रतीत होता, ये होना चाहिए था, ये संदिग्ध मौत है। हम जांच पड़ताल करने के बाद ही, तफ्तीश करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। देखिए, संजय राउत ने सामना के जरिए सवाल उठाए कि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर आत्महत्या की, और ये एक तरीके से नेपोटिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, बहुत सारी वजहें हैं। मैंने इसके पहले और बहुत पुरजोर तरीके से कहा कि ये नेपोटिज्म का सवाल नहीं है, नेपोटिज्म जो है गलत शब्द है, ये गैंगिज्म का सवाल है। एक गैंग है, एक माफिया है, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहले बाहर अंडरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, उसका स्वरूप बदल गया है। हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो जिन्होंने इंडस्ट्री पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, उनके कहे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता, वही जिंदगियां बनाते हैं और वही जिंदगियां बिगाड़ते हैं। कौन है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अंडरवर्ल्ड जब है, जो बाहर का है, उसमें मालूम नहीं कि कौन कौन है, लेकिन अंडरवर्ल्ड है, उसमें नाम जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण है, लेकिन है। ये इतना भी मालूम है कि ऐसा नेक्सस है जो लोगों को अपने बंधन में जकड़ लेता है, अपने दायरे में। और जो भी एक छोटे शहर से जो भी कोई आता है, और जब कोई हुनर जो पनपता है, तो वो थ्रेटन्ड हो जाते हैं, उनके अंदर जो दायरे में लोग हैं उनको लगता है कि अब हमारा सिंहासन डोल रहा है, इसको या तो खत्म कर दो या इस नेक्सस, इस सिंडिकेट में शामिल कर दो। अगर वो जी हजूरी करता रहा, चापलूसी करता रहा, तलवे चाटता रहा, तो ठीक है। अगर उसने, जिस तरह सुशांत ने, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं, बगावत की होगी या कहा होगा कि मुझे ये नहीं करना है, ये फिल्म नहीं करनी है, इससे नहीं जुड़ना है, उससे नहीं जुड़ना है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि ये वजह हो सकती है उसकी सुसाइड, लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है। अभी तो सब जो है वो स्पेकुलेशन के दायरे में। मेरा ये कहना है कि जब लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि जो दिखाई दे रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा कुछ है, तो सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए, इसमें क्या हर्ज है? हम चलिए मान लेंगे, आप हमें आश्वासन दिला दीजिए या हमें विश्वास दिला दीजिए कि आत्महत्या है। हमें कौन सा शौक है ये जानने के लिए कि यह हत्या हुई, ये तो कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जो तथ्य बाहर निकल के आए उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें, इस खेल में और भी गुत्थी है, कुछ पीच है जिनको सुलझाना चाहिए, कुछ अनसुलझे जो सवाल हैं वो एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़े हो गए हैं, और उसका निदान जरूरी है। दिस केस नीड्स अ क्लोजर, और क्लोजर तभी होगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी।